हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीजे ब्लॉग्स। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे वीडियोस को। सो फ्रेंड्स, अभी भी काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भैया आरटीओ के बारे में बताइए, इंश्योरेंस के बारे में बताइए। यार एक्चुअली इसके रिगार्डिंग ना मैंने पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है कि जब टाटा पंच आप लेते हैं तो उसमें आरटीओ में आपको क्या करना है, इंश्योरेंस में आपको क्या करना है, या आप क्या कर सकते हैं। तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं आरटीओ की, भले ही हम पंच ले रहे हैं या कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, तो कंपनी वाले या शोरूम वाले जो भी आप कहें या डीलरशिप वाले, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आरटीओ आपने उनके वहाँ से कराना है, पहली चीज़। दूसरा जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि इंश्योरेंस और आरटीओ आप खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार जो आपका आरटीओ ऑफिस है वहाँ से आप कन्फर्म कर लीजिए कि आपका आरटीओ चार्जेस क्या पड़ेंगे और प्रोसीजर उसमें क्या रहेगा। तो पहले आपको उसके लिए कंफर्मेशन वहाँ से ले लेना है। दूसरी बात करें इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस तो यार आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी बाजार से ले लीजिए, या आप चाहें तो डीलरशिप वालों से भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, उनसे बार्गेनिंग करा के उसमें पैसा आप कम करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने इंश्योरेंस डीलरशिप वालों से ही करवाया था, लेकिन बार्गेनिंग की और उन्होंने कुछ उसमें मुझको डिस्काउंट दे दिया था। तो आरटीओ तो मैंने खुद कराया था, मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोज़ में भी। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है ना, वो फिर से आता है, बार बार हमारे सामने आता है कि यार तुम्हें गाड़ी ऑन रोड कितनी पड़ी थी। देखो यार भैया, जब मैंने गाड़ी ली थी ना, उस समय उसके प्राइस थे कम, अब जो है कि लगभग 7 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, 6,99,000 ऐसा कुछ है। अभी इसका एक्स शोरूम प्राइस है, उस समय जो था कि 6,74,000 आई थिंक था, तो काफ़ी इसमें भी चेंज आ चुके हैं। तो एक्स शोरूम अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ आप आरटीओ के चार्जेस बढ़ते हैं, इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ते हैं। तो जो गाड़ी उस समय मुझे लगभग 8 लाख की बैठी थी, अब आपको 8,30,000, 8,40,000 के करीब वो गाड़ी आपको बैठेगी। मोटा मोजा मुझे शायद 7,80 या 7 ऐसे ही कुछ मुझे, हाँ 7,80 के करीब मुझे ये गाड़ी बैठी थी। तो एक्सेसरीज वगैरह मैंने कुछ नहीं ली थी कंपनी से। तो आपको ये गाड़ी जो अब बैठेगी आज की कंडीशंस में, अगर उत्तराखंड की मैं बात करूँ, तो ये गाड़ी जो आपको बैठने वाली है, ये बैठेगी लगभग 8,20,000, 30,000, 40,000, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे डीलरशिप वालों से बार्गेन करते हैं जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो पूरे इंडिया में वो सेम होता है। हाँ, आरटीओ के चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस, जो एसेसरीज आप ले रहे हैं उसके चार्जेस, इन सब में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एक्स शोरूम जब हमने गाड़ी ली थी तब और अब में काफ़ी अंतर हो चुका है। तो उसके साथ साथ मैं बता चुका हूँ कि आपको और चीज़ों में भी अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ी का जो एक्स शोरूम बढ़ता है तो और चीज़ों में भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। उसके अलावा काफ़ी लोग मुझसे यार ये भी कहते हैं कि अपना नंबर शेयर कर दो, हम नंबर शेयर करके बात कर लेंगे। या देखिए, इतने लोगों के साथ नंबर शेयर नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। और आप लोग क्या कर सकते हैं ना, आप blogsvijay@gmail.com पे अपनी क्वेरीज, मुझे अगर आप कुछ ऐसी क्वेरी हैं तो उसमें मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं वहाँ से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। यदि आप मीन्स यहाँ पे कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर से मैं बोलता हूँ, blogsvijay@gmail.com पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और यार गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में भी काफ़ी लोग पूछते हैं, मैंने बहुत बार कहा है यार ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत ऐसी इसमें नहीं है, फैमिली पर्पज़ के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, आप बेझिझक होकर इसको ले सकते हैं। और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं कि यार देखिए कि पंच पहाड़ों पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। यार देखो, पहाड़ों पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल पहाड़ों में आप जाइए ना, कहीं भी मतलब इतनी बुरी सड़कें नहीं है कि जहाँ पे गाड़ियाँ ना चढ़ती हों। आप मैक्सिमम जगह आप ये भी देख सकते हैं कि अल्टो जब चढ़ ली है तो पंच तो चढ़ ही जाएगी। उसके अलावा एक जनरल क्वेश्चन और रहता है लोगों का कि यार हम इसको लेकर लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, हम इसको लेकर केदारनाथ जाना चाहते हैं। तो आप जाइए यार, बेफिक्र होकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, पंच आपका कहीं पे भी साथ नहीं छोड़ेगी, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। क्योंकि काफ़ी समय से मैं इसको चला रहा हूँ, मैंने दिसंबर में, 26 दिसंबर को ये गाड़ी ली थी, और अब ये जो है कि जुलाई का महीना है, तो काफ़ी समय हो चुका है, हैंडी हो चुका हूँ गाड़ी के साथ, काफ़ी कुछ इसमें मैं समझ भी चुका हूँ। तो मेरी राय में आपको ये गाड़ी कहीं पे भी धोखा नहीं देने वाली है। हाँ, माइलेज की बात करते हैं काफ़ी लोग, देखो माइलेज यार, माइलेज ना वेरी करता है,
अलग अलग जगह पे माइलेज जो होता है वो अलग अलग आपका निकल के आता है। जैसे हमारे पहाड़ों पे ना 12-13 का माइलेज सिंपली इसमें निकल के आता है। जब हम थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो वहाँ 14 से 16 तक का माइलेज निकल के आता है। 16 से ज़्यादा मुझे अभी तक इसमें मिला भी नहीं है। एक बार बागेश्वर की ट्रिप में पिथौरागढ़ से बागेश्वर जब जा रहा था तो उसमें मुझे लगभग 16 या 16.5 ऐसा कुछ मिला था, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिला है। हाँ, हाईवेज पे काफ़ी लोगों को 18 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जो मुझे मैक्सिमम मैंने पहाड़ पे इस पे निकाला है वो 15 से 16 के बीच में। अभी भी मैं किसी लंबे टूर में अगर पहाड़ में जाऊंगा तो मैं इसमें 15 से 16 का या 14 से 15 16 का मैं इसमें माइलेज निकाल लूंगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। उसके अलावा प्राइस की बात करते, काफ़ी लोग कह रहे हैं यार कि अब प्राइस बढ़ गए हैं गाड़ी के। यार आप ये देखिए ना, कौन सी गाड़ी ऐसी है इस प्राइस रेंज में आने वाली जिसके प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। गाड़ी सभी के प्राइस बढ़ ही रहे हैं, लगभग हर गाड़ी के प्राइस बढ़ रहे हैं। और अभी भी जो है कि इसका प्योर एडवेंचर एडवेंचरिज्म तक आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली आप ले सकते हैं और पॉकेट फ्रेंडली भी आपके लिए रहेगा। आँख बंद करके आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो RTO इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, कि आपने इसमें क्या करना है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आप बार बार पूछते हैं उनके भी आंसर्स मैंने इसमें आपको दे दिए हैं। और किसी को अपनी कुछ बातें शेयर करनी है तो blogsvijay@gmail.com पे आप वो शेयर कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें और कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।